हे गाइस, वेलकम बैक एक बार न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो भाई गेम प्ले में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम न्यू लग्जरी कार्स लेने वाले हैं। और ये देख सकते हो हमारी MK4 सुप्रा, जो कि काफ़ी मस्त भयानक रंग की बना दी है हमने, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। तो अभी फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से सीधा ही कार मार्केट के लिए, वहाँ से हम अपने लिए लेकर आने वाले हैं काफ़ी सारी न्यू कार्स, जो कि काफ़ी बढ़िया प्राइस में मिलेंगी हमें। तो अभी हम फाइनली यहाँ पर पहुँच तो चुके हैं, तो अभी देखते हैं यहाँ पर अभी हमें कौन कौन सी कार देखने को मिलती है। तो फाइनली सबसे पहले भाई इसकी ड्रिफ्ट देख सकते हो आप लोग, काफ़ी बढ़िया। तो अभी कार को लगा देते हैं यहीं पर, अभी चलते हैं यहाँ से, आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन सी न्यू कार्स आई है। तो ये देख सकते हो भाई लैंड क्लूजर और काफ़ी न्यू कार्स यहाँ पर, बुगाटी भी है भाई साहब, और मस्टैंग, ओ भाई साहब काफ़ी सारी न्यू, अरे भाई साहब सुप्रा MK4 एक और। सबसे पहले हम इसे ही परचेज़ करने वाले हैं, तो जल्दी से इसे परचेज़ कर लेते हैं। पहले तो $55,000 में मिल चुकी है हमें ये कार, अभी इसे जल्दी से भेज देते हैं अपने गैराज में, काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि ये सुप्रा है भाई, दो दो सुप्रा हो चुकी हैं हमारे पास, हमने काफ़ी बढ़िया प्राइस इसका दे दिया है अभी, और इससे काफ़ी बढ़िया प्राइस में भी बेचेंगे। तो अभी और न्यू कार से ले लेते हैं, यहाँ से मस्टैंग को भी ले लेते हैं यार, काफ़ी बढ़िया प्राइस में मिल चुकी है हमें, तो इसे भी हमने भेज दिया सीधा गैराज में। और यहाँ पर देखते हैं भाई कौन कौन सी न्यू कार्स, ये कौन सी कार भाई, मर्सिडीज C63 हमने इसे भी परचेज़ कर लिया, और इसे भी भेज देते हैं जल्दी से अपने गैराज में। और अभी चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, और यहाँ पर लैंड क्रूजर, और ये कौन सी कार है भाई, ये भी काफ़ी बढ़िया कार है, तो इसे बाद में परचेज़ करते हैं। सबसे पहले और कार से देख लेते हैं भाई ये कौन सी कार है अब न्यू, ये भी भाई उसके जैसी ही कार है, तो इसे भी बाद में परचेज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लैंड क्रूजर को भी परचेज़ कर लेते हैं, उससे पहले यहाँ पर एक और है उसका भी प्राइस देखते हैं और फिर इसे परचेज़ करते हैं। तो अभी फाइनली गाइस ये थोड़ी ज़्यादा महंगी है उस वाली से, अभी यहाँ पर ये ट्रक इसका कितना प्राइस है भाई, ये भी प्राइस बड़ी है, इसे भी परचेज़ कर लेते हैं। तो जल्दी से इसे भी परचेज़ करके भेज देते हैं गैराज में, तो इसे भी हमने परचेज़ कर लिया अभी, अभी चलते हैं इसे लेकर और भाई इसे भी गैराज में भेज देते हैं। तो अभी फाइनली इसे भी हमने भेज दिया, हम तो अपनी सुप्रा में जाएंगे। तो यहाँ पर और देखते हैं कार कौन कौन सी है जो हमें काफ़ी बढ़िया में मिल जाए। अरे भाई साहब बुगाटी का काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, तो हम इसे नहीं लेंगे अभी। तो अभी फाइनली और कार्स देखते हैं, यहाँ पर ये कार भी हम ले लेते हैं भाई, हमने इसे भी ले लिया है अभी, इसे भी हम भेज देते हैं अपने गैराज में। अभी लैंड क्रूजर को भी हम ले लेते हैं यार, हमारे पास काफ़ी पैसा है, तो हमने एक लैंड क्रूजर को भी ले लिया, अभी इसे भी भेज देते हैं सीधा अपने शोरूम। तो अभी और यहाँ पर कोई कार तो भाई देख सकते हो हमने इतना सारा शोरूम खाली कर दिया, और ये भाई कार एक और है, तो यार इसे हम परचेज़ करें या नहीं, तो छोड़ो इसे नहीं हम परचेज़ करने वाले हैं, और कार देख लेते हैं यहाँ पर जो हमें मिले थोड़े बढ़िया प्राइस में। तो देखते हैं यार इस कार को भी हम परचेज़ कर ही लेते हैं, तो इसको भी हम भेज देते हैं जल्दी से अपने गैराज में। तो भाई साहब देख, अरे यार नहीं, हमारा जो शोरूम है वो फुल हो चुका है, तो अभी इसे हमें चला कर लेकर जाना पड़ेगा। तो फाइनली अभी चलते हैं इसे लेकर और रख देते हैं जाकर अपने शोरूम के पास। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से इसे लेकर और इसे रख देते हैं अपने शोरूम के पास। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने शोरूम के पास, तो देख सकते हो ये रहा अपना शोरूम, और देख सकते हो हमने कितनी सारी न्यू कार्स को परचेज़ कर लिया है भाई, हमारे पास बहुत पैसा है, हमने बहुत सारी कारों को परचेज़ कर लिया देख सकते हो आप लोग। और ये भाई अभी चलते हैं वापस यहाँ से टिकट लेकर सीधा कार मार्केट की तरफ, हमारी ₹10 टिकट लगी यहाँ से कार मार्केट तक। तो अभी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कार को परचेज़ करते हैं चलकर, और उसे भी लेकर चलते हैं अपने शोरूम के पास, क्योंकि अब हमें खुद लेकर जानी पड़ेगी कार को। तो देखते हैं यहाँ पर और हमें BMW की काफ़ी बढ़िया कार दिखाई दे रही है, इसे भी हम देखते हैं कितने में मिलेगी ये, तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्राइस में है, तो इसे भी हम परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले और कार से देख लेते हैं, तो देख लेते हैं भाई इसी कार को ले लेते हैं और इसे भी लेकर चलते हैं भाई सीधा ही, तो क्योंकि हमारा जो गैरेज है वो फुल हो चुका है, तो पार्किंग के लिए जगह नहीं है वहाँ पर, तो इसे हमें चलाकर ही लेकर जाना पड़ेगा। तो फाइनली इसे भी लेकर चलते हैं और उससे पहले एक और कार को परचेज़ कर लेते हैं, तो परचेज वापस आकर करेंगे। तो अभी चलते हैं भाई इसे लेकर सीधा ही अपने शोरूम के पास, तो अभी फाइनली अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपने शोरूम के पास। काफ़ी बढ़िया भाई ड्रिफ्ट लगाई है हमने, और अभी भी टायर के निशान वहीं पर थे। तो ये देख सकते हो एक और न्यू कार हम लेकर आ चुके हैं, और भाई साहब देख सकते हो कितनी कार्स हो चुकी हैं हमारे पास, भाई साहब मज़ा आने वाला है, इन्हें हम काफ़ी महंगे प्राइस में बेचने वाले हैं इनको थोड़ा रिपेयर करवा के। तो अभी चलते हैं अपनी दूसरी कार को लाने के लिए, ₹10 की टिकट नहीं लेंगे इस बार, हम सीधा ही जाएँगे पैदल ही
क्योंकि थोड़ी दूरी के पास ही है कार मार्केट, तो हम बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ से अभी थोड़ी दूरी है, तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं, हमारी कार हमें दिख चुकी है यहाँ से। तो अभी और कार देख लेते हैं भाई, अगर कोई बढ़िया सी मिल जाती है हमें तो। तो फाइनली एक और कार हमें काफ़ी बढ़िया लग रही है, तो एक रेड वाली देखते हैं ये कितने में हमें मिल जाएगी। तो ये वाली कार भी हम लेकर चले जाएंगे, ये काफ़ी महंगी है बट कोई बात नहीं। देखते हैं कोई और कार, जो कि भाई देख सकते हो वैसे हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा हमने कार यहाँ से ले ली है। और अभी देखते हैं और कौन सी कार हम यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। अभी हमने आधे से ज़्यादा कार्स को हमने यहाँ से परचेज़ कर लिया और एक और न्यू कार को हमने परचेज़ कर लिया। अभी जैसे भी जल्दी से लेकर चलते हैं सीधे अपनी कार शोरूम के पास। तो फाइनली गाइस इसे भी हम लेकर निकल चुके हैं। तो भाई देख सकते हो भाई काफ़ी बढ़िया ड्रिफ्ट के साथ, ओ भाई साहब ओपी भाई, काफ़ी बढ़िया स्पीड भी इसकी। तो इन सभी कारों को हमें रिपेयर भी करवाना है। तो भाई ड्रिफ्ट देख सकते हो, वो भाई टच हो जाती तो डैमेज हो जाता, काफ़ी नुकसान हो जाता। तो अभी हम फिर से चलते हैं भाई, 10 रुपये के बचाने के चक्कर में हम सीधे पैदल जा रहे हैं, और अपनी सुप्रा भी यहीं पर है। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं भाई अपने लिए न्यू कार्स देखते हैं। और फाइनली हम अपने लिए न्यू कार्स लेने के लिए आ चुके हैं। तो भाई देखते हैं ये इसका क्या प्राइस है भाई, $10,000। तो भाई कोई बात नहीं, हम ले तो सकते हैं लेकिन अभी हम लेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम अपनी कार को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कार हो चुकी हैं। तो भाई देख सकते हो ये अपनी MK4 भाई साहब सुप्रा, काफ़ी ज़बरदस्त वाली हमने इससे अपने लिए रखा है, काफ़ी मज़े वाली। इसे हम लगा देते हैं यहाँ पर साइड पर, और उसके बाद सभी गाड़ियों को लगा देते हैं अपने गैराज में। तो सबसे पहले सबसे गाड़ियों को करना पड़ेगा रिपेयर। तो सबसे पहले हम लेकर जाने वाले सुप्रा, तो फाइनली हम इस सुप्रा को लेकर चल पड़े हैं सीधे गैराज में, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा काम भी करवाना है, इसे रिपेयर भी करवाना है, और काफ़ी बढ़िया दाम में भी बेचेंगे फिर। तो अभी फाइनली हम लेकर आ चुके हैं इसे अपने गैराज में, यहाँ पर करवाते हैं इसे ठीक थोड़ा, तो काफ़ी बढ़िया हम इसमें थोड़ा रिपेयर करवा लेते हैं। पहले तो रिपेयर हमने करवा ली है काफ़ी बढ़िया से, अभी भाई साहब क्या ही चमक रही है कार अपनी। और इसे थोड़ा सा हम इसका कलर भी थोड़ा चेंज करने वाले हैं, अभी काफ़ी बढ़िया ऑरेंज, थोड़ा ऑरेंज वाला करते हैं, जो कि बाबू भैया की कार है जैसी, उसके जैसे इसका कलर करते हैं। तो भाई फाइनली हमने इसका कलर भी कर दिया है। अभी इसे टायर पे थोड़ा ध्यान देते हैं भाई, टायर भी इसके थोड़े चेंज करने हैं हमें, काफ़ी बढ़िया वाले अलॉय व्हील लगवाने वाले हैं हम इसमें। ओ भाई साहब काफ़ी भयानक वाली कार बनने वाली है ये भाई, कार की लुक्स देख सकते हो आप लोग काफ़ी बढ़िया। और हमने इसका जो टायर है काफ़ी बढ़िया वाला इसमें लगवाना है, क्योंकि हमें इसे काफ़ी महंगे में भी बेचना है। तो अभी फाइनली हम इसका अभी टायर चेक कर रहे हैं, कलर हम ब्लैक ही रखेंगे। तो अभी देख लेते हैं कौन सा बढ़िया टायर इस पर लगता है। तो अभी फाइनली हमें कुछ टायर पसंद तो आए हैं, लेकिन अभी और देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया इसमें टायर अभी व्हील आए हुए हैं न्यू अपडेट में, काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्हील भी आए हैं, काफ़ी बढ़िया कार्स भी न्यू आई हैं। तो भाई हम उन कार्स को भी परचेज़ करेंगे, चलो कोई बात नहीं। अभी इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, और अभी इस कार में व्हील लगवा देते हैं, तो काफ़ी बढ़िया व्हील लगे इसे हम लगवा देते हैं, बाय कर लेते हैं इसे। तो अभी बाय कर ली है अभी हमने, काफ़ी बढ़िया है ये टायर, चलो चेक करते हैं भाई कैसे लग रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं ये। तो अभी चलते हैं इस कार को वापस से लेकर, हमने वॉश सब कुछ करवा दिया इस कार का। तो अभी इसे लेकर जाने वाले हैं हम सीधा ही अपने गैराज में, वहां पर जाकर लगवाएंगे इसे, रख देते हैं। और काफ़ी और गाड़ियाँ भी हैं हमारे पास, अभी उन सभी को भी हमें लगाना है। और भाई देख सकते हो हमने अपना जो यहाँ पर का गैराज है उसे भी अपग्रेड किया है, काफ़ी बड़ा बना दिया है। अभी एक स्टेप और जाना है हमें, इसे और काफ़ी बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे पैसे चाहिए। तो इसका कोई हमें बढ़िया सी कार चाहिए और काफ़ी महंगी वाली, तो इसके लिए तो भाई अभी और कार भी हैं, तो उन कारों को भी लेकर आते हैं जल्दी से, ठीक करवाते हैं, और उसके बाद हम इन कारों को रखने वाले हैं सेल पर। तो भाई देख सकते हो अभी हमारे पास काफ़ी काम है करने के लिए, और इस मस्टैंग को भी हमें थोड़ा रिपेयर करवाना है, काफ़ी कुछ करवाना है इसमें भी। तो इसको तो हम सिर्फ रिपेयर ही करवाएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास पैसे भी थोड़े कम हैं, तो रिपेयर करवा लेते हैं इसमें। तो रिपेयर हमने करवा लिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है रिपेयर करवा के। और जो उसका कलर है हम वही रखने वाले हैं, उस पर और कुछ नहीं करवाने वाले हैं हम, कुछ टायर कुछ चेंज नहीं करवाएंगे। तो सीधा अभी लेकर चलते हैं इसे वापस अपने गैराज में। भाई देख सकते हो गाड़ी हमने काफ़ी बढ़िया एकदम चमकने वाली बना दी है अभी, तो चलो बस भाई इसे लगा देते हैं अपने कार शोरूम में। तो भाई कार तो भाई देख सकते हो भाई अपनी जो MK4 सुप्रा है, एक वो सुप्रा है, एक वो वहाँ पर सुप्रा रखी हुई है जिसे हमने सेल पर लगाना है अभी।
तो भी फाइनली अभी जल्दी से अपनी सभी कारों को लेकर आते हैं और अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली अपनी मस्टैंग भी यहाँ पर रख दी गई है अभी, बाकी और भाई साहब देख सकते हो काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं अभी जिन्हें हमें लगवाना है अपने कार में सेल में। तो भाई देख सकते हो काफ़ी भयानक भयानक वाली और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी लग्जरी कार्स रखी हैं सभी हमने। तो भाई इस ट्रक को भी लेकर चलते हैं भाई, इसे तो भाई वॉश करवाना पड़ेगा तो, और काफ़ी इसमें रिपेयर भी करवाना पड़ेगा क्योंकि इनको बेचने में भी काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि ये काफ़ी महंगे जाने वाले हैं। तो जल्दी से भाई इसे भी रिपेयर करवाते हैं भाई, काफ़ी स्पीड है इसकी भाई देख सकते हो, ड्रिफ्ट भी काफ़ी बढ़िया है और भाई इस पर थोड़ा रिपेयर कर देते हैं जल्दी से भाई साहब, कर दो इसको रिपेयर। तो भाई अभी जल्दी से इसको भाई $5,500 में ये रिपेयर हुआ है, तो देख सकते हो भाई हमारे पास 73,000 रुपीज़ बचे हैं ओनली डॉलर्स। तो इसे भी लेकर चलते हैं अभी सीधा अपने कार पर सेल में, काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई साहब क्योंकि हम इस सभी कारियों को बेचने वाले हैं सबसे महंगे दाम में, क्योंकि सस्ते में हम लेकर आए हैं और काफ़ी महंगे में इसे बेचने वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ पर हम इस कार को भी लगा देते हैं और ये ट्रक काफ़ी महंगा जाने वाला है क्योंकि ये ट्रक काफ़ी लोगों को पसंद आता है, तो इसलिए हम इस ट्रक पे थोड़ा ज़्यादा नहीं काम करवाया क्योंकि ये ट्रक ऐसे ही काफ़ी महंगा बिकता है। तो भाई अपनी नाइट भी हो चुकी है यहाँ पर, हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद चलते हैं भाई सोने के लिए। तो भाई फाइनली अभी चलते हैं भाई सोने के लिए, बाकी काम फुल हो जाएगा। तो भाई फाइनली हमने रात में सभी गाड़ियों को लगा दिया था और भाई देख सकते हो सभी को हमने रिपेयर करवा के और सेल पे लगा दिया है। अभी हमें सिर्फ इसे सेल पे लगवाना है, इसे हमने गैराज में अपने खड़ा कर दिया कार सेल में और अभी इनको सिर्फ हमें सेल पे लगाना है, हमने सेल पे नहीं लगाया था अभी तक। तो जल्दी से इसे सेल पे लगा देते हैं। कार लिस्ट में जाकर भाई तक देख सकते हो जो ये टोयोटा MK4 है उसे हमने अपने लिए रखा है, इसलिए उसे साइड में रखा है। तो अभी जल्दी से इन सभी को सेल में लगा देते हैं हम $1,00,000 और काफ़ी भाई साहब महंगी महंगी गाड़ियों में इन्हें भेजने वाले हैं। तो भाई ये $1,00,000 तो भाई $1,00,000 में हमने एक कार को रख दिया है टोयोटा को और भाई साहब 70,000 में हमने एक और भाई कार को रख दिया और मर्सिडीज़ को भी हम काफ़ी महंगा बेचने वाले हैं, तो जिसे भी जल्दी से भेज देते हैं $72,000 में। तो हमने इसे भी काफ़ी बढ़िया भाई, और जो फोर्ड मस्टैंग है उसे भी हम काफ़ी ज़्यादा पैसों में देने वाले हैं क्योंकि भाई साहब हमने इस पर थोड़ा काम भी करवाया तो अभी इसे महंगा भी करना पड़ के बेचना पड़ेगा, हमें इस पर प्रॉफिट भी करना पड़ेगा, सब कुछ भाई निकालना पड़ेगा इसमें से। तो भाई अभी जल्दी से इसमें रख देते हैं प्राइस, ज़्यादा बड़ा तो नहीं रखेंगे लेकिन उतना रखेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट भी हो जाए और सब कुछ बीच में ही। तो भाई साहब जल्दी से अभी इस कार को भी हम सेल पर लगा देते हैं और हम एक और कार जो BMW की है उसे भी लगा देते हैं भाई, जो हमारी लैंड क्रूज़र है उसे भी हम सेल पे काफ़ी महंगे वाले प्राइस में रखने वाले हैं। सभी गाड़ियों को हम एक नंबर भाई साहब बना दिया है और सभी कारों को हम लग्जरी को रखा है, तो भाई बेचना भी काफ़ी महंगे में पड़ना है ना तो इन सभी कारों को। तो भाई अभी फाइनली लास्ट कार है जो कि काफ़ी महंगे में भी जाने वाली है क्योंकि ये कार हमने काफ़ी कम डॉलर में ली थी लेकिन हम इसे बेचने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा डॉलर में, तो $53,000 में हम इस कार को बेचेंगे जो हमारी लास्ट में बची थी। तो भाई इन सभी कारों को हमने लगा दिया अभी सेल में, भाई देख सकते हो हमने कितने सारे पैसे खर्च कर दिए इसमें और $41,000 हमारे पास बचे हैं अभी। तो जल्दी से अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं भाई कितने कस्टमर आते हैं कितने नहीं आते हैं, कितने कारों को लेकर यहाँ से जाते हैं। तो भाई ये चेक करो गाइस, हमारा जो लग्जरी कार शोरूम है और हमारी सुप्रा भाई साहब, ओ भाई साहब कितने सारे एकदम से आ गए हैं भाई, और अभी अपनी गाड़ियां भी जल्दी से जल्दी यहां से बिकने वाली है। तो सबसे पहले हम सुप्रा को ही बेचेंगे, तो देखते हैं भाई कितने में जाएगी ये। तो भाई साहब $82,000 में जाने वाली है ये, लेकिन हम इसे थोड़ा और ज़्यादा करके बेचने वाले हैं, तो देखते हैं भाई कितना मिल सकता है इसका, जितना हमें मिलेगा हम उतना रखेंगे। भाई साहब $1,00,000 से $2,000 में ये कार बिक गई, $98,000 में ये कार बिक गई। तो अभी बाकी सभी कारों को भी हम जल्दी से जल्दी, भाई साहब इसका भी काफ़ी बढ़िया प्राइस है लेकिन देखते हैं एक बार फिर हमें से, और भाई यहाँ पर दो और जने भी हैं यहाँ पर, इनसे भी देखते हैं ये क्या प्राइस देंगे इनका, भाई काफ़ी बढ़िया प्राइस है लेकिन शायद ये कार कहीं गलती से हम कोई और ना दें तो इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा रेट को अप करके देखते हैं, तो चेक करते हैं भाई कितने में जाएगी ये, देखते हैं कितने डॉलर हम इसमें
और बढ़ा सकते हैं। तो $80,000 में देखते हैं। अरे भाई साहब, ये तो हमने ट्रक को बेच दिया $80,000 में, जो कि हम काफ़ी महंगा बेचने वाले थे, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब चला गया। अब मस्टैंग को देखते हैं भाई कितने में जाएगी ये। तो भाई काफ़ी अच्छा प्राइस मिलने वाला है, क्योंकि हम इसे $44,000 की लेकर आए थे और ये काफ़ी महंगी जा रही है। तो भाई इसे भी थोड़ा और महंगा करके बेचते हैं, देखते हैं और कितना दे सकते हैं ये लोग, क्योंकि हमने इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखा है, तो ये शायद थोड़ा कम देखकर इसे ले ले। तो भाई देखते हैं अभी हम कितने तक इसे बेचने वाले हैं। तो हमने $70,000 इसमें डाला है, तो भाई काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो चुका है हमें। ओ भाई साहब, क्या ही भाई, हमने दो कारों को बेच दिया है काफ़ी महंगे में, और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी हमने इसमें से अर्न कर लिया है। तो भाई ये कार भी हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाली है, तो इसको भी हम जल्दी से बेच देते हैं। तो भाई ये भाई साहब काफ़ी बढ़िया प्राइस दे रही हैं इसका, $5,000 ये ज़्यादा दे रहे हैं कार के। तो अभी देखते हैं हम और थोड़ा ज़्यादा करके। तो भाई हमने $9,000 डाले और भाई साहब कार बिक चुकी है। और अभी ये लैंड क्रूज़र देखते हैं भाई कितने में जाएगी। भाई कम से कम इसके 2 लाख रुपये हमने रखे हैं, तो अभी देखते हैं भाई कितने में ये जाएगी। तो भाई कम से कम हमें इसमें से $2,000-3,000 कम करके बेचने की कोशिश करेंगे अगर ये चली जाए तो। तो भाई साहब देखते हैं, ओ भाई साहब, ओ एम जी भाई, काफ़ी बढ़िया प्राइस में कार हमारी चली गई और कितना बढ़िया प्रॉफिट, हमें $40,000-50,000 का बीच में प्रॉफिट हो चुका है यहाँ से। तो बाकी गाड़ियों को भी हम सभी बढ़िया प्राइस में बेचने वाले हैं और काफ़ी अच्छा सा खासा प्रॉफिट इनमें से अर्न करने वाले हैं। तो इन दो कारों को भी हम बढ़िया से बेच देते हैं, क्योंकि ये दो कार ही हमारे पास लास्ट हैं। तो अभी हम $68,000 में इस कार को बेच दिया, काफ़ी बढ़िया भाई। अभी भी भाई काफ़ी और कार्स भी हैं हमारे पास, तो देखते हैं भाई ये भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाली है कार। भाई साहब 5,000 से 10,000 के बीच में ये हमें प्रॉफिट देने वाली है कार। तो भाई देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा इसके डॉलर दे रहा है। तो भाई यही भाई है जो कि इनके सबसे ज़्यादा डॉलर दे रहे हैं। तो भाई अभी इनसे बात करते हैं। तो हम $45,000 में, ओ एम जी भाई, $45,000 में अपनी कार बिक चुकी है भाई, काफ़ी बढ़िया प्राइस में हमने कारों को बेचा है। हमें अब कार सेल करना भी आ चुका है, अभी हम इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो भाई इनमें से भी देखते हैं भाई कौन लेकर जाएगा इन आखिरी दो कारों को। भाई देख सकते हो लोग कितने हैं और गाड़ियाँ सिर्फ दो, तो देखते हैं भाई कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा हमें, हम उसे ये कार बेच देंगे। तो अभी जल्दी से भाई देख लेते हैं भाई कितना हम इनमें से ले सकते हैं, जितना हम इनसे ले सकते हैं उतना लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं $45,000 के करीब अगर ये हमें दे दे तो शायद हम इस कार को ले लें। तो हमने $50,000 डाला है, 50 में भी नहीं मानी ये। तो अभी देखते हैं भाई 45 करके, शायद 45 के करीब ये हमें दे दें। तो चेक करते हैं भाई $40,000 में जाएगी ये भाई, बहुत ही आराम से $40,000 में भी चली गई, और इसने भी हमें $4,000 से $5,000 का हमें प्रॉफिट दे दिया है, काफ़ी बढ़िया है वैसे। तो चलो कोई बात नहीं, हमने इसमें काफ़ी खर्चा भी किया था, हमारा सभी जो पैसे हमने इसमें लगाए थे वो सभी पैसे इसमें पूरे हो चुके हैं। तो भाई अगर ये भी इस कार के काफ़ी बढ़िया डॉलर दे तो इस कार को भी हम बेच देंगे। तो फाइनली गाइस, हमने सभी कारों को काफ़ी बढ़िया प्राइस में बेच दिया है और काफ़ी मज़ा आया वीडियो में। तो भाई अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और न्यू कार्स को परचेज़ करने वाले हैं, और ये अपनी सुप्रा ये हमने अपने लिए रखी है। तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, हम नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट कार को परचेज़ करेंगे।